इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोटोसेंसिटाइजेशन एंड क्वेंचिंग क्या होती हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए समझते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए कुछ मटेरियल्स अलग से ऐड करने होते हैं, और ये मटेरियल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन्हीं मटेरियल्स को हम फोटोसेंसिटाइज्ड मटेरियल्स कहते हैं, और ऐसे रिएक्शंस जिनको स्टार्ट करने के लिए मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस कहलाती हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। इसमें दो टाइप्स के मटेरियल्स होंगे, एक तो वो मटेरियल्स जो केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे जिन्हें हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइज्ड मटेरियल्स, और ये हो सकते हैं जिंक हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, मरकरी, और भी बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं। और दूसरे मटेरियल्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो रिएक्शन करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट मटेरियल्स। तो आइए समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल्स। ऐसा मान लेते हैं ये सेंसिटाइज्ड मटेरियल है डोनर, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, और ये इसका सिंगलेट स्टेट E1, और ये इसका होता है ट्रिपलेट स्टेट। ये कौन है? फोटोसेंसिटाइज्ड मटेरियल के डोनर जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। दूसरा इसमें होता है रिएक्टेंट एक्सेप्टर, यानी कि जो रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इसका ग्राउंड स्टेट है E0, और ये इसकी ट्रिपलेट स्टेट है 3A। अब देखेंगे जैसे ही यहाँ पर कोई फोटोन आकर के इंसिडेंट होता है यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पर, तो यहाँ पर जो डोनर है वो एनर्जी लेने के बाद में सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आता है, ये कहलाती है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये कहलाती है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो फोटो सेंसिटाइज मटेरियल का मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जर्व करने के बाद में सिंगलेट स्टेट में जाता है 1D, यहाँ पर पहुँचता है, ये इस तरीके से पहुँचता है, और उसके बाद में इंटरसेक्शन कन्वर्जन करने के बाद में ये ट्रिपलेट स्टेट पर आ जाता है, 1D से 3D बन जाता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट स्टेट। तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर ये आ जाता है। ये काम किया है इसने डोनर ने, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया फोटोन की, और कहाँ पर आ गए ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट पर। अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से कोलिजन करता है, टक्कर करता है, और अपनी एनर्जी दे देता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पर जो इसने एनर्जी ट्रांसफर की है डोनर ने सेंसिटाइज मटेरियल ने, इसी को हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन, यानी कि जो फोटोसेंसिटाइज मटेरियल का मॉलिक्यूल्स होता है ये अपनी एनर्जी एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। आइए समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर कोई डोनर था जिसकी एनर्जी D0 थी, यहाँ पर ये रही। अब इसने फोटोन को एब्जर्व किया, और फोटोन एब्जर्व करने के बाद में ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट 1D में चला गया। यहाँ पर देखेंगे ये 1D बन गया, कहाँ पर पहुंच गया? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। अब इंटरसेक्शन ISC इंटरसेक्शन कन्वर्जन करने के बाद में ये ट्रिपलेट स्टेट 3D में पहुंच गया। इंटरसेक्शन करने के बाद में ये ट्रिपलेट स्टेट एक्साइटेड स्टेट 3D में पहुंच गया है ये मॉलिक्यूल। अब जैसे ये मॉलिक्यूल इसके पास में इतनी एनर्जी है, तब ये यहाँ पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उससे रिएक्शन करता है, कोलिजन करता है। ऐसा मान लेते हैं वो मॉलिक्यूल कितना है, रिएक्टेंट एक्सेप्टर A है, और यहाँ पर ये कोलिजन करता है यहाँ पर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में, और अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, और खुद आ जाता है ग्राउंड स्टेट में। यहाँ पर देखेंगे तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट पर जो ये डोनर होता है सेंसिटाइज मटेरियल का, वो अपनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पर जो ये एनर्जी ट्रांसफर हुई है, इस डोनर ने इस एक्सेप्टर को एनर्जी दी है, इसी को हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन, यानी कि कोई भी फोटोसेंसिटाइज मटेरियल एनर्जी को एब्जर्व करने के बाद में अपनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। और यहाँ पर जो 3D बना है, यानी कि ये जो ट्रिपलेट स्टेट में आया था यहाँ पर, इसी को हम कहते हैं क्वेंचिंग, यानी कि डोनर जो होता है या फोटोसेंसिटाइज मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स होता है, जब भी वो ट्रिपलेट स्टेट में आता है 3D बनता है, इसी को हम कहते हैं क्वेंचिंग प्रोसेस, यानी कि सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आने पर जो मॉलिक्यूल हमको मिलता है, इसको हम कहते हैं
क्वेंचिंग प्रोसेस। अब ये 3D मॉलिक्यूल्स है अपनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए को ट्रांसफर करता है और ए ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इसी को हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। तो फोटोसेंसिटाइज मटेरियल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी इस रिएक्टेंट को दे दी, अब ये मॉलिक्यूल रिएक्शन कर लेगा। थैंक यू।